संघीय न्यायपालिका पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं मुनरो के स्टेटमेंट से। संवैधानिक विवादों के अंतिम निर्णायक के रूप में सर्वोच्च न्यायपालिका का विकास शासन विज्ञान को अमरीकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देनों में से एक है। यह कथन इस बात का संकेत करता है कि अमेरिका में जो जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, वह शासन विज्ञान को एक अनूठी देन है। तो हम जुडिशियल रिव्यू की बात अलग चैप्टर में करेंगे, अलग लेक्चर में करेंगे। आज हम फेडरल जुडिशरी की बात करते हैं। उनके आर्टिकल, उनके संविधान के आर्टिकल 3 में लिखा है, न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। कांग्रेस ने इस हेतु संविधान निर्माण या संविधान लागू होने के तुरंत पश्चात 1789 में न्यायपालिका अधिनियम बनाया और उस अधिनियम से संघीय न्यायपालिका के 3 श्रेणी के न्यायालय बनाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स, परिभ्रमण न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट। देश में संघीय न्यायालयों के मामले में सबसे शीर्ष पे हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर हैं, नीचे हैं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील और सबसे निचली श्रेणी के कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। सबसे निचली श्रेणी के कोर्ट हैं। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय जरूरी है, यानी देश को जिलों में बांटा गया है और प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय जरूरी है। आज की तारीख में अमेरिका में 94 जिला न्यायालय हैं। इनका अधिकार क्षेत्र केवल प्रारंभिक या मूल या ओरिजिनल अधिकार क्षेत्र होता है। मूल अधिकार क्षेत्र या ओरिजिनल अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य है कि व्यक्ति सीधे सर्वप्रथम मामला इन्हीं न्यायालयों में जाता है, सबसे पहले इनके पास मामला जाता है, उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। इनके निर्णय के अगेंस्ट अपील होती है, उसे अपीलीय क्षेत्र अधिकार कहते हैं। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स हैं, जिन्हें परिभ्रमण न्यायालय कहते हैं। ये पूरे देश में 13 हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी एक न्यायाधीश को एक परिभ्रमण न्यायालय का पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के अतिरिक्त प्रत्येक में कम से कम 6 सर्किट न्यायाधीश और होते हैं और इन न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार है वह केवल अपीलीय है, यानी यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मामले निर्णय हो उन निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनते हैं। सीधे मामले सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में नहीं आते और संघीय न्यायालयों में सबसे शीर्ष पे है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1780 एक्ट से हुई, हमने देखा। ये पहले न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में था, बाद में इसे वॉशिंगटन शिफ्ट किया गया। आज की तारीख में यह वॉशिंगटन में है। इसके जो संगठन का निर्धारण है वो कांग्रेस करती है। संविधान में प्रावधान है कि कांग्रेस इस संगठन का निर्धारण करेगी। कांग्रेस ने 1789 के एक्ट से एक चीफ जस्टिस और 8 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की थी, जो आज भी इतनी ही बनी हुई है। इसमें भी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सीनेट से स्वीकृति आवश्यक है। अमेरिका में संघीय न्यायालयों में जजेज के जो कार्यकाल है सुप्रीम कोर्ट में वह आजीवन है। इसी वजह से बहुत सारे जज 30-30 साल तक सुप्रीम कोर्ट में बने रहते हैं। यद्यपि यह प्रावधान है कि अगर कोई जज जिसने 10 साल सेवा दे दी और उसकी उम्र 70 वर्ष है, या किसी जज ने 15 वर्ष सेवा काल रह गया सुप्रीम कोर्ट में और उसकी आयु 65 वर्ष है, तो वह अवकाश ग्रहण करने के बाद भी पूरा वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं। तो यह जजेज पे है कि वह अवकाश ग्रहण करते हैं या आजीवन सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहते हैं। इन जजेज की नियुक्ति
पे योग्यता का क्या हो, तो इस पर संविधान चुप है। प्राय ख्याति प्राप्त वकील कानूनविद प्रशासनिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, लेकिन व्यवहार में अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति है वह राजनीतिक नियुक्ति की तरह है। प्रेसिडेंट अपनी विचारधारा के लोगों को ही जज नियुक्त करते हैं, तो इस टाइप की नियुक्ति से प्राइमा फेसी यह लगता है, प्रथम दृष्टया यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हैं वो पक्षपातपूर्ण होते होंगे, लेकिन इस संबंध में चार्ल्स वॉरेन का एक कथन महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हुई हो परंतु न्यायाधीश बनने के बाद व्यक्तियों ने अपनी निष्पक्षता बनाए रखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति की विवेकाधीन है, यानी पॉलिटिकल लाइन्स पे होती है, आइडियोलॉजी बेस्ड है, लेकिन फिर वो निष्पक्षतापूर्ण कार्य करते हैं एक बार नियुक्त होने के बावजूद। वेतन का निर्धारण कांग्रेस करती है। मुख्य न्यायाधीश को $223,500 पर एनम और अन्य न्यायाधीशों को $213,900 पर एनम मिलते हैं। जजेज को हटाने का तरीका महाभियोग है। जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं। यह प्रस्ताव सीनेट के पास जाता है। सीनेट एक न्यायालय के रूप में बैठता है और इस मामले की जांच करता है। अगर दोषी पाया जाता है सीनेट 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देती है और जज अपने पद से हट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट का सत्र अक्टूबर के फर्स्ट मंडे यानी प्रथम सोमवार से शुरू होता है और जून के शुरुआत तक चलता है। मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकते हैं, विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। मुकदमों पर निर्णय बहुमत से होता है और मुकदमों की सुनवाई तथा निर्णयों के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है, यानी कोरम 6 न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है आउट ऑफ 9, यानी कुल 9 न्यायाधीश हैं उनमें से 6 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक है। अब आते हैं हम पावर एंड ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर कई तरह की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है। ज्यूरिस्डिक्शन प्रारंभिक ज्यूरिस्डिक्शन यानी मूल ज्यूरिस्डिक्शन जिसमें प्रथम दृष्टया प्रथम तय मामला कोर्ट में आ जाता है वह अत्यंत सीमित है। यह सिर्फ उन मामलों में सीमित है जहां पार्टी राजदूत राज्य या कोई स्टेट यूनियन या द्वितीय संबंध से संबंधित मामला हो। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार काफी विस्तृत है। यह है जब राज्य के न्यायालय यानी स्टेट की अपनी जुडिशरी है वहां, तो राज्य के न्यायालय संघ की किसी विधि या संधि को संविधान के विरुद्ध घोषित कर दे तो इसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, या संघ के न्यायालय राज्य के कानून को संघ के संविधान या विधि के विरुद्ध घोषित करते हैं और राज्य के न्यायालय ये कह रहे हो कि यह विरुद्ध नहीं है तो अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, या राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है अगर हाई कोर्ट अपील करने की अनुमति दें तो। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार काफी सीमित है, काफी विस्तृत है। अगला है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से तात्पर्य है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी प्रशासनिक आदेश को सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर खारिज या रद्द कर सकती है कि यह संविधान के विरुद्ध है। अर्थात क्या चीज संविधान के विरुद्ध है, इसकी व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। या यूं कहें कोई भी कानून तभी फाइनल या अंतिम हो पाएगा जब वह प्रथम कांग्रेस के द्वारा पारित हो, राष्ट्रपति सहमति दे और फिर कोर्ट उसे संविधान के विरुद्ध ना माने। अगला है अधिकारों के संरक्षण के रूप में। अधिकारों के संरक्षण के रूप में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां हैं। भारत के संविधान में भी हम रिट पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और कोर्ट को अपने मामलों का प्रशासनिक नियंत्रण की शक्तियां भी हासिल है। ये था अमेरिका में संघीय न्यायालयों की व्यवस्था। थैंक यू सो मच।